बिजली का बिल तो परिवार नूं पै गईआं दंदलां। सूबा कांग्रेस सरकार बेशक 2022 चोणां च पंजाब दे लोकां नूं 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देण दे दावे कर रही है, जदकि मौजूदा समें च उन्हां दी ही सरकार च पंजाब दे विधानसभा हलका अबोर दे पिंड गिदड़ावाली दे एक दलित अते BPL परिवार दे घर दा बिजली दा बिल 54 लाख तो भी वध दा भेज के साबित कर दिता है कि सरकार दी करनी ते कथनी च जमीन असमान दा अंतर है। गिदड़ावाली दे इस परिवार दा मुखी हंसा सिंह है, जो दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता क्योंकि वह दिल दा रोगी है अते उसका इलाज चल रहा है। उसकी पत्नी है वह भी बीमार रहती है, जबकि उसका बेटा, नूह अते दो छोटे बच्चे भी इसे घर च रहिंदे ने। हंसा सिंह का बेटा जगसीर सिंह बागां विच दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। घर के हालात दसते ने कि परिवार की आर्थिक स्थिति किहो जी है। घर के अंदर दाखल होने वाला मुख दरवाजा लक्कड़ का है, जो डिगन वाला है। रस्सियां के सहारे उन्हें रोकया गया है। वेड़ा भी कच्चा है। घर विच कोई अजिही बिजली वड्डी चीज़ जिवें AC वर्गा भी कुछ नहीं है, पर बिजली विभाग वालों भेजे गए बिल ने उन्होंने मानसिक तौर उत्ते परेशान कर रखा है। परिवार के हंसा सिंह ते इसके बेटे जगजीर सिंह ने दसिया कि पहला करीब 48 लाख रुपए का बिल उन्होंने साल 2019 विच आया सी। विभाग के अधिकारियों ने इस बारे दसिया पर कोई कार्रवाई ना होने करके हुणे बिल 51,26,360 रुपए का भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वह बिल नहीं भर सकते, भावें अपनी कुली भी वेच देन। इसे करके सरकार तो मांग की गई है कि किसी की गलती उन्होंने सिर मड़ी जा रही है, जिसकी जाँच होवे अते बिल माफ किया जाए। मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं जी। बिल जो बहुत आया, बिल जी है मीटर की गलती ना आया जी, 2 साल के करीब हो गया होना जी बिल आए नी। पहला 48 लाख रुपये आया जी, हूँ 48 तो चल के 51 लाख तो उपर हो गया जी। तो यह पहला गलती ने 48 आया, 48 तो ही उपर बाद उपर होया जी। असी एप्लीकेशन लाइया, एप्लीकेशन ला तो एक लाई जा दो लाइया, तीन लाइया, उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ करे, असं आपे कर देंगे तो हल। पर हल तो होया नहीं जी, नहीं इन्ना तो नहीं हो सकता जी बिल, ये बहुत ज़्यादा है बिल, असं पूरा नहीं कर सकते, सारी जिंदगी नहीं कर सकते बिल। असं घर वेच दी तो भी नहीं होना जी, फिर की करोगे? असी उपर जावे इन्हों के, अपना इंसाफ मंगा गे। की चलना है जी, दो बल्ब है, एक पखा है जी, और की चलना है जी। इन्ना बिल तो नहीं आ सकता तो है। ना जी सैलर चलते है जी, सैलर चली जाते जी अपने बहुत ज्यादा, मशीन भी चल रही है। काम की करना, घरे बैठा हार्ट अटैक की बीमारी है जी। मैं तो घरे बैठा अपने जो सैलर आपे चली जाते हैं। परिवार नू जद इंसाफ ना मिलदा नजर आया ता परिवार पिंड दे ही वसनीक अते पेशे तो वकील इंद्रजीत सिंह कोल पहुंचिया अते अपनी दास्तां सुनाई। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੁਫਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ SC ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਉਹ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 51,36,000 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
अज पंजाब की हर एक सियासी पार्टी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने वो कह रहे 3 रुपए यूनिट बिजली देवे, चाहे वह केजरीवाल साहब आए वो कह 300 यूनिट असी देवे, चाहे वो साढ़े सुखबीर बादल साहब आए उन्होंने कहा भी 400 यूनिट बिजली देवे। अज गरीब परिवार की 51 लाख की सुनवाई करने वास्ते जो इन्होंने अफसर के चक्कर लगाए, किसी ऑफिसर ने इन्हों की गल नहीं सुनी, ये जिनी को अप्रोच सी लोअर लैवल के ऑफिसर्स को उन्होंने इन्हों का जोड़ा सगा मामला मीटर कहता थोड़ा मीटर जंप कर गया होना तुम लबोरटरी भेज दो, एक साल के करीब हो गया वो मीटर टैसटिंग की फीस भरी हुई कोई रिजल्ट नहीं आया, 48 लाख तो यह बिल जो है अज वध के 51.5 लाख के करीब होया पाया। पर बिल्कुल असी एस BPL परिवार इन्हों का कोई जो इनकम सोर्स देखिए तो सिर्फ खेती मजदूरी है या खेत मजदूर ने भी वोटा लैन वास्ते गरीबों के घर ये सारिया झूठ दिया कमिटमेंट्स करते हो भी थोड़ा बिजली फ्री देवे फलाना कुछ फ्री देवे, अज तक कोई भी सियासी पार्टी का लीडर इन्हों घर सार लैन नहीं आया। PSPCL के चेयरमैन ने वेणु प्रसाद सीनियर IAS ने उन्होंने असी मेल कर दी है तो चीफ मिनिस्टर साहब को महकमा पावर का असी उन्होंने भी लिख दिता है भी सानू इंसाफ दवाया जाए, यकीनन तौर पर साडा जे इस परिवार को इंसाफ ना मिलिया तो असी हाई कोर्ट का रुख करांगे। इस बारे जदों संबंधित पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के दफ्तर खुईया सर्वर के SDO दिलीप कुमार नाल गल की तो उन्होंने कहा कि इस बारे जांच करके वेख्या जाएगा कि किवें यह बिल इन्ना ज़्यादा आया है, पर SDO साहब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके कि 2019 च जिस घर का बिल 48 लाख तो भी उपर आया हो उस तो बाद ये जांच आखिर क्यों नहीं करवाई गई। मैं दिलीप कुमार SDO बोल रहा जी, चेक कर रहे हैं जी, उन्होंने चेक करके जो टेक्निकल कोई है कलेरी करी है कि किस तरह का मतलब जो बनेगा वो सही करके नहीं सारा कोई देख लेंगे जी, सैट करके उन्होंने चेक करा जी भी किस तरह बिल बने जी है तो बाकी जे मतलब जो वाजिब चीज़ है वो करके। उस तो बाद बिल 51,26,360 रुपए तक पहुंच गया पर कारपोरेशन के अधिकारी हाथ ते हाथ धरे बैठे रहे, पर उन्होंने इस गरीब परिवार दे की बीत रही होगी इस बारे सोचा ही नहीं, हुने परिवार घर छड़ के किते जान दा सोच रहा है। की कुछ कहना तुहाडा इस परिवार दे बारे, तुसी अपनी राय जरूर रखना ते देखते रहना द समर न्यूज़।